एटी न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम एटी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ ताजा सुर्खियों पर। हिंदू धर्म में सावन बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। इसे पूरे महीने शिव भक्त उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार व फरुखाबाद में कांवड़ लेकर गोला आते हैं, जहां से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं। सावन महीने के चारों सोमवारों को मंदिरों में भक्तों की भीड़ होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने में शिव भक्त पूरे मनोमोहन उनकी पूजा अर्चना करते हैं। उनकी मुराद भगवान शिव और पार्वती अवश्य पूरी करते हैं। मंदिर प्रबंधकारी समिति का अध्यक्ष हूँ और मंदिर की व्यवस्था साथ में भूतनाथ बाबा मंदिर उसकी व्यवस्था, ये सब इसी मंदिर से संचालित होती है, अर्थात मंदिर कमेटी संचालित करती है। साफ सफाई के मेले भर कहिए या कहिए पूरे साल और मेले भर, तो इसमें नगर पालिका का भी सहयोग रहता है, पुलिस प्रशासन का सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, साफ सफाई में नगर पालिका भी सहयोग करती है और मंदिर कमेटी की तरफ से कर्मचारी नियुक्त रहते हैं जो समय समय पर मंदिर की सफाई करते हैं। वैसे मंदिर खुलने का टाइम समय जो है वो सुबह 4:45 बजे का है, लेकिन भीड़ की वजह से या कहिए श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा होने की वजह से पुलिस प्रशासन की सहयोग से ये मंदिर 2 बजे खुलता है। आज भी सोमवार है, 2 बजे मंदिर खुला था, तब से भीड़ लगातार चल रही है। दोपहर में 12 बजे के करीबन बाहर की सफाई, जिसे पत्ते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं गर्भगृह में, तो उनकी सफाई होती है। 2 बजे से विधिवत बाहर से सब निकाले जाते हैं बेलपत्र और उसकी सफाई होती है। आप पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहेंगे, इतनी प्रशासन होते हुए भगवान शिव जी यहाँ गोला गोकर्णनाथ में पधारे हैं। ये छोटी काशी के नाम से विख्यात है गोकर्ण की, बड़ी अच्छी व्यवस्था है प्रशासन की, काफी कुछ अच्छा है, लाइट व्यवस्था भी अच्छी है, सुरक्षा व्यवस्था भी ठीक है और बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। ठीक है, कभी लाखों की संख्या में यहाँ भक्त लोग आए हैं घूमने के। हाँ, जलपान की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ठंडा जल व्यवस्था है, गंगा जल की व्यवस्था है, हर प्रकार की व्यवस्था कांवड़ घूम के लिए यहाँ पर बनाई गई है प्रशासन की तरफ से और हमारी नगर पालिका की तरफ से। प्राइम न्यूज के लिए लखीमपुर की।